प्रकृति की गोद में बसा मायापुर एक छोटा सा गांव था जिसमें प्रवेश करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि बाकी के तीनों ओर से ये पहाड़, नदी और घने जंगल से घिरा हुआ था। चंद्रकला की ये बात सुन सभी दंग रह गए थे। ये बोल वो वहां से चलने को हुई तभी पीछे से माधव गुस्से से चिल्लाया, हे रुदाली, कहां जा रही है मेरी बेटी का अंतिम संस्कार किए बिना? माधव की गरजती आवाज सुन चंद्रकला सन्न रह गई। वो पीछे मुड़ी तो सामने माधव गुस्से में लाल खड़ा था। चंद्रकला ने डरती हुई तभी आवाज में कहा, छोटे साहब, अदिति ने आत्महत्या की है, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मैंने क्रियाकर्म की विधि बताई, नहीं तो जिस घर में आत्महत्या हो वहां मैं जाती तक नहीं हूँ। ये सुन माधव गुस्से से पागल हो गया था और उसे घसीट के अदिति की लाश के पास ले गए और फिर धक्का देके गिराते हुए बोला, चुपचाप विधि शुरू कर, वरना जानती तो है ही मुझे, यहां से जिंदा नहीं जा पाएगी तू। चंद्रकला ने डरते हुए माधव के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसा अनर्थ मत कीजिए छोटे साहब, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आज अदिति बिटिया का अंतिम संस्कार हम कर देंगे तो इस गांव में सब कुछ तबाह हो जाएगा। आप, मैं और पूरा मायापुर, कोई नहीं बचेगा यहाँ। सबके बारे में एक बार सोचिए छोटे साहब। चंद्रकला की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, पर उसके अलावा किसी और की हिम्मत नहीं हो रही थी कि माधव से कोई कुछ कहे। तभी गांव के सबसे बूढ़े चाचा माधव के पास आए और उसे समझाते हुए कहा, माधव बेटा, अगर चंद्रकला कह रही है तो मतलब जरूर अनहोनी हो सकती है, इसकी बात मान लो, अदिति बिटिया को लेकर चलते कहीं और। ये सुनते ही माधव ने उन बूढ़े चाचा की तरफ देखते हुए कहा, चाचा, मेरी बच्ची की लाश पड़ी है सामने, अब इससे बड़ी अनहोनी क्या हो सकती है? आप कृपा करके बीच में बताइए, नहीं तो मैं गुस्से में जाने क्या कर बैठूंगा, खुद मुझे भी नहीं पता है। ये सुन अब बाकी गाँव वाले भी डर गए थे कि कहीं गुस्से में आकर माधव किसी की जान ना ले ले। चंद्रकला ने डरते डरते विधि शुरू कर दी। उसने अदिति को लाल जोड़ी में तैयार कर दिया और उसकी अंतिम यात्रा के लिए गाँव वाले निकल पड़े। माधव के कुछ आदमी चंद्रकला के पीछे पीछे चल रहे थे। माधव को पता था कि चंद्रकला आसानी से नहीं मानेगी, इसीलिए उसने अपने कुछ लोगों को चंद्रकला के घर भी भेज दिया था, जो चंद्रकला के घर का दरवाजा जोर जोर से पीट रहे थे। लेकिन दीदी अपनी माँ की बात मानते हुए दरवाजा नहीं खोल रही थी। तभी उनमें से एक ने बोला, ये लड़की ऐसे नहीं दरवाजा खोलेगी, तोड़ देती है और बाल पकड़ के खींचते हुए ले चलते इसको। ये बोल वो दरवाजा तोड़ने में लग गया। कुछ ही धक्कों में दरवाजा टूट गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सब घर में इधर उधर खोजने लगे, लेकिन नीति कहीं नहीं दिखी। हार के वो लोग घर के बाहर आ गए और वहां से जाने की बात करने लगे। को वहां से निकलता देख नीति, जिसने खुद को एक संदूक में बंद कर रखा था, बाहर निकल गई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो लोग बस बाहर जाने का नाटक कर रहे थे ताकि नीति बाहर निकल आए। नीति जैसे ही संदूक से बाहर आई, सभी बड़ी तेजी से घर के अंदर घुस आए और नीति को पकड़ लिया। खुद को बड़ा होशियार समझ रही थी, हमें बेवकूफ बनाएगी, चल तुझे सीधा शमशान ही ले चलते हैं। ये बोल वो सब नीति को खींचते हुए शमशान की तरफ चल दिए। इधर चंद्रकला फिर से माधव से विनती करने लगी, ये पाप ना करे, संभल जाइए, अभी भी वक्त है। लेकिन माधव उसके एक भी सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक तरफ से नीति को आता देख चंद्रकला सन्न रह गई। वो समझ गई कि ये लोग माधव के ही आदमी है जो नीति को जबरदस्ती शमशान ले आए हैं। उन लोगों ने नीति को माधव के हवाले कर दिया। माधव नीति को खींचते हुए चंद्रकला के सामने लाकर ऐंठ में बोला, अगर तूने अभी क्रियाकर्म शुरू नहीं किया तो तेरी बेटी का क्रियाकर्म मैं कर दूंगा। चंद्रकला के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, वो मजबूर हो चुकी थी। उसने अभी मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, लेकिन तभी आसमान में काले बादल छाने लगे, जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली हो। तभी अचानक नीति भी जोर जोर से चीखने लगी, उसके शरीर से खून बहने लगा। आज तक जितनी भी चोट उसे लगी हुई थी सबके घाव खुलने शुरू हो गए थे, वो पूरी तरह से खून में लाल हो गई। ये देख गांव वाले भी डर गए। चंद्रकला भी नीति का ये रूप देख सहम गई, जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। वो बड़ी तेजी से नीति की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो नीति के करीब पहुंची, नीति ने उसे एक जोर का धक्का मारा जिससे वो कुछ टूट जा गई। नीति के अंदर इतनी शक्ति देख सभी हैरान रह गए। चंद्रकला समझ गई कि नीति पे जरूर कोई काली शक्ति का असर हो रहा है। नीति भी नहीं समझ पा रही थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। वो भी डर के मारे इधर उधर भागने लगी। तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो अदिति की लाश के ऊपर जा गिरा। अदिति की लाश को छूते ही नीति तुरंत बेहोश हो गई। ये देख वहां मौजूद सभी गांव वालों में भगदड़ मच गई। दहशत में लोग वहां से भाग निकले। नीति का खून से लथपथ शरीर देख माधव भी सन्न रह गया, वो भी वहां से भाग गया। चंद्रकला भाग के नीति के पास पहुंची और उसको होश में लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन नीति में जैसे जान ही नहीं बची थी। आसमान में बादल घिर आए थे और बिजली कड़कने लगी थी। तभी बिजली की चमक अदिति के लाश पे आ गई और लाश धू धू कर जलने लगी। ये देख चंद्रकला के होश हो गए, उसे समझ आ गया कि किसी काली शक्तियों का ये काम है। वो नीति को उठाकर किसी तरह भागते हुए घर आ गए, लेकिन नीति को अभी तक होश नहीं आया था, उसका शरीर अभी भी खून से लाल था। चंद्रकला अपनी बेटी की ये हालत देख बहुत परेशान हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कैसे बचाए। तभी उसने जोर जोर से मृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो पूरी रात मृत्युंजय मंत्र का जाप करती रही। बाहर जोर की बारिश होती रही, पूरा गांव मानो घर में कैद हो गया था। सुबह हो गई थी, लेकिन नीति को होश नहीं आया था। चंद्रकला की चिंता भी बढ़ने लगी, बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी चंद्रकला के घर के बाहर गांव का एक लड़का भागते हुए आया, उसके चेहरे पर डर था। उसने हड़बड़ाहट में दरवाजे की कुंडी खटखटाई। जब चंद्रकला ने दरवाजा खोला तो उस लड़के ने हाँफते हुए जल्दबाजी में कहा, चलो चलो भाई, बचा लो सबको, नहीं तो सब मारे जाएंगे। उस लड़के की आवाज में कपकपी थी, जैसे किसी बहुत भयानक हादसे को देख आया हो। चंद्रकला ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, कब क्यों आए हो, जब मैं कल चीख चीख के बोल रही थी तब कहाँ थे तुम सब? सुरेश ने घबराहट में जैसे गिड़गिड़ाते हुए कहा, माई, कल जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे सब एक एक कर मर रहे हैं, उनको बचा लो भाई, बचा लो उनको।
ये बोलते वक्त ही उसके मुंह से खून बहने लगा, उसकी आंखों से भी खून बाहर निकलने लगा। ये सब देखकर चंद्रकला के होश उड़ गए। वो उस लड़की को संभालने को हुई, तभी वो सीधा जमीन में किसी लाश की तरह गिर गया और उसकी जान निकल चुकी थी।